हम लोग पहुंच चुके हैं एटीएम। ठीक है, पूरा समझ ये आ जाएगा यार, ये आ जाएंगे, इतना पेमेंट अपने पास, टेंशन नहीं लेनी, ये आ जाएगी। ये अबे बचेंगे पैसे, पार्टी भी करेंगे। सो गाइस फाइनली अंदर इंटर हो चुके हैं। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई आज हमारे पास आई हुई है बड़ी बड़ी हस्तियां भाई। शेरी भाई बैग लिए कांग्रेचुलेशंस दो मुझे, बैग लिए मैंने। क्या दो? कांग्रेचुलेशंस नहीं मैंने भाई बाइक लिए। शेरी भाई ने, शेरी भाई कितने के लिए बाइक? यार ये मैंने लिए 75,000 की, मैं बाइकिया का काम शुरू कर रहा हूं। ओए ओए आज मैं यार ओए लगाऊंगा बाइक। टाइटल और थंबनेल को देख ही लिया, आज हम कहां जा रहे हैं। शेरी भाई फर्स्ट पेमेंट निकालने जा रहे हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? यार एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तो फर्स्ट पेमेंट निकाले, बहुत खुशी है मेरे को, क्योंकि तो पेमेंट निकालेगा तुमको पार्टी देगा होटल पे, पार्टी देगा, पार्टी देगा। और तुम, तुम्हारा क्या रिएक्शन है बकर भाई? तुम्हारा क्या रिएगा? हां तुम रिएक्शन तो बताओ अपना, क्या रिएक्शन है फर्स्ट पेमेंट आएगी तो? कुछ बोलो। क्या बोलूं यार इसे, अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं अपनी फर्स्ट पेमेंट निकालने, तो चलो आप लोगों को भी साथ लेके जाते हैं, तो चलो। तो गाइस फाइनली ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एटीएम। ठीक है, ये हमारा एटीएम है सामने। शेरी भाई लाइन में लग जाओ, जाओ जाओ जाओ, मैं आपके पीछे। क्या बता रहे कि ये हमारा एटीएम है, मैं कैमरा मेरी तरफ कर रहा था, मैं तेरा एटीएम हूं। मतलब वो हमारा एटीएम है मेरी जान, वो हमारा एटीएम है। जाओ आप खड़े हो जाओ लाइन में यार, जाओ जाओ खड़े हो जाओ लाइन में। नहीं है मेरे पास भाई, जा मैं देता हूँ कार्ड, जा खड़ा हो। कितनी पेमेंट निकाले गए बता, अभी नहीं बतानी, रिवील बाद में रिवील करेंगे, अभी नहीं बतानी। इतनी निकालेगा कि पार्टी का खर्चा पूरा हो जाए। पार्टी का खर्चा नहीं, इसमें पूरा समझ ये आ जाएगा यार, ये आ जाएंगे, इतना पेमेंट अपने पास, टेंशन नहीं लेनी, ये आ जाएगी। ये अबे बचेंगे पैसे, पार्टी भी करेंगे बड़े होटल में, पार्टी करते बड़े 6 स्टार में, 5 स्टार वाले। हाँ हाँ बकर भाई तुम क्या बोलना चाह रहे हो? बकर भाई क्या कर रहे हो यार तुम? स्नैपचैट लॉगिन कर रहे हो? ओए ओए अंदर बकर भाई वीडियो बनाएगा अपनी, ये ऐसा करेगा, जूम 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 आउट जूम इन। क्या नाम है यार वो स्नैपचैट में भेजते हैं, क्या नाम है वो? स्ट्रीक स्ट्रीक इसमें स्ट्रीक भेज देंगे। तो गाइस अभी लाइन में लगेंगे और फिर पैसा निकालेंगे, फिर आपको बाद में बताएंगे। वीडियो पूरी देखना भाई, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। चलो चलो चलो। तो गाइस फाइनली अंदर इंटर हो चुके हैं, और ये पता नहीं हमारे आते ही उन्होंने लिख दिया सॉरी दिस एटीएम इज टेंपरेरली आउट ऑफ सर्विस, प्लीज कॉन्टेक्ट योर ब्रांच ऑफ कार्स। शेरी भाई ये क्या है, बंद करो गेट, गेट बंद किया करो, ऐसी क्या बाहर जा रहे हो तुम? हां कितनी अंग्रेजी बात है भाई, ये बोल रहे हैं कि भाई सर्विस आउट हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, दूसरे एटीएम जाएंगे हम। अल्लाह हाफिज़। हम दूसरे एटीएम जाएंगे भाई, बंद हो गया यार ये टेंपरेरी, बंद हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते बकर भाई, बंद हो गया एटीएम, क्या करें अभी? दूसरे एटीएम जाओ, कल निकालेंगे, कल निकालेंगे। बकर भाई से लेते ना एडवाइस, बकर भाई से एडवाइस लेते। बकर भाई एटीएम हो ये टेंपरेरी वो बंद हो गया थोड़ी देर के लिए, आप मुझे ये बताओ अभी क्या करें, कल निकलवाएं पेमेंट या क्या करें? कल निकाल चलो कल पेमेंट निकालते हैं। आज आप लोगों को हम लोग पेमेंट बताते हैं कितनी आई है, तो भाई दिल थाम के बैठो, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को हम बताते हैं हमारी पेमेंट कितनी होगी, अच्छी जगह पे जाके बताते हैं। ठीक है, एंड फिर पार्टी शार्टी भी करेंगे। शेरी भाई और सुनाओ ठीक ठाक? फिर खेरी यार जूस तो पिलाए वाला, अबे पेमेंट तो आने दे, अभी पैसा 1 रुपया नहीं है जेब में। चलो भाई निकलते हैं। फिर जब बंदा न्यू चैनल बनाता है ना, बंदा सोचता है कि यार उसका चैनल जैसे ही मोनेटाइज हो जाएगा तो क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। मैं भी यही सोचता था। मैंने चैनल बनाया एंड देखते ही देखते माशाल्लाह से मेरा चैनल 1 महीने में हो गया था मोनेटाइज। 1 महीने में भाई चैनल मोनेटाइज हो गया था मेरा, इतनी खुशी थी। लेकिन उससे पहले मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, वो मैंने आप लोगों को कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सब बताया था, जो 0 to 4K वाली वीडियो है मेरी, जो जिसने नहीं देखी भाई जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बकर भाई देखो वहाँ से आ रहे हैं, सीन कुछ ऐसा हुआ, बकर भाई उधर गए, वो पेट्रोल की बोतल वो छोड़ गए। क्या वो तू बता, गाड़ी में पेट्रोल की बोतल है, बाकी हो गई मेरी पेट्रोल की बोतल रहेगी। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को एक चीज दिखाता चलूं कि भाई पोस्ट ऑफिस पे जो हमारा एड्रेस का पिन फंसा हुआ था, ठीक है, उसके लिए उनका नंबर था हमारे पास। बकर भाई कॉल करने लगे, बकर भाई कॉल करो यार, क्या नाम से सेव किया है? नंबर रिवील नहीं कर, नंबर नहीं रिवील कर रहा सईद पोस्ट ऑफिस, यार नंबर नहीं रिवील कर रहा, तुम टेंशन नहीं लो यार, सईद पोस्ट ऑफिस नंबर रिवील नहीं करते, छोड़ो नंबर को यार, रिवील करो पहले, पोस्ट ऑफिस वाला है मना। ये देखो नंबर का, तंग करने तंग करो लेकिन नहीं करो यार, अच्छी बात नहीं होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम भैयान, पोस्ट ऑफिस से बात कर रहे हैं ना आप? तो सर हमारा असल में एडसेंस का पिन था, एडसेंस का यूट्यूब एडसेंस होता है ना, गूगल एडसेंस, उसका पिन
उसका पिन आया होगा सर आपके पास। एड्रेस है 24 मार्केट सईदाबाद बल्दिया टाउन। सर ये कब तक आएगी? कल आ जाए तो सर आप प्लीज अगर आ गए तो यार आप रब्ता कर लेना हमसे, ठीक है? इसी नंबर पर ही रब्ता कर लेना, ठीक है सर? ओके अल्लाह हाफिज़। तो गाइस इसका भी एसएस पिन आया नहीं अभी तक। हां व्लॉगिंग कर रहा है बंदा, व्लॉगिंग कर रहा है। मैं साथी अबूबकर भाई, अबूबकर के भाई क्या कहेंगे इनके बारे में? गलत आज से व्लॉगिंग करना यार, हम व्लॉगर नहीं है ना यार, सस्ते व्लॉगर है। अच्छा मेरी तरफ लाओ, मेरी तरफ लाओ गाइस, बहुत सेट मूवमेंट है यार हमारा पिन। अभी वो बोल रहे हैं कल गाड़ी आएगी, गाड़ी आ रही नहीं है कुछ दिनों से, तो गाड़ी आएगी तो हम आपको लाजमी कॉल करके बता देंगे। वैसे मुझे पता है कॉल करेगा नहीं है बंदा, ये बंदा बहुत झूठ बोलता है, बंदा कॉल नहीं करता। बगर भाई कल फर्स्ट टाइम हम इसी टाइम ना इसको कॉल करेंगे, ठीक है? पता करेंगे कि एक्सेस पिन आया कि नहीं। और अभी आप लोगों को पेमेंट बताने लगे हैं तो दिल थाम के बैठो, बकर भाई मोबाइल दिखाओ। नहीं नहीं यार, दूसरे मोबाइल से शूट करना पड़ेगा, इस मोबाइल पे आप लोगों को मैंने पेमेंट दिखानी पड़ेगी। आप लोगों को मैं मोबाइल में पेमेंट दिखाऊंगा ना कि कितनी पेमेंट है यार, ऐसे थोड़ी ना लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सीन ऐसे कि अभी बकर भाई के मोबाइल से शूट करें। हाँ इसी से ही करना पड़ेगा मजबूरन, या स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने रखता हूँ मैं यार। चलो गाइस अभी आप लोगों ने अर्निंग तो देख ही ली होगी, कितनी अर्निंग है। मजे की बात है यूट्यूब जो है ना $18 हमारी अभी हमारी हुई है, 18-19 हो जाएगी कल तक, क्योंकि भाई हमारी वीडियो एक दिन बाद ना डॉलर बढ़ता है, ठीक है? और एडसेंस में जो डॉलर आता है वो आता है महीने बाद, वो आप लोगों को बात की कहानी है वो बाद में बताएंगे। और अभी का सीन ये है कि अभी हम आप लोगों को ये बताते चलेंगे यार डॉलर्स क्यों नहीं बढ़, डॉलर्स बढ़ते हैं और कैसे बढ़ते हैं, मोनेटाइज हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मोनेटाइज आपका चैनल हो जाएगा, और अगर आपका व्लॉगिंग का चैनल है तो गाइस 5000 व्यूज से कम व्यूज पे आपका $1 नहीं बन सकता भाई। छोड़ना, 5000 व्यूज पे $1 बन रहा है भाई, 5000 व्यूज पे $1 बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, बहुत ज्यादा भाई। लेकिन चलते व्लॉग बनाते किधर जा रहा, लेकिन सीन ऐसा है कि यार करते रहो मेहनत, ठीक है? मेहनत करते रहो, मेहनत में इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सिला देगा, सिला देने वाली जात वो है भाई। तलंजुम गरीब सुना है ना, कल वाली वीडियो पे भी सुना था ना, मैंने बोला था ना यही बात। तो चल कराची चल आके देख कराची। तो गैस बस यही कर, यही बोलना था कि यार अभी इंशाल्लाह और मेहनत करनी है हम लोगों ने यार। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, तब आएगी ना इनकम कहाँ से आएगी? $100 से कम नहीं निकाल सकते हम लोग यार। टोटल मेरी लाइफ टाइम की मैंने आप लोगों को अर्निंग दिखाई है, लाइफ टाइम की मेरी अर्निंग 18.47 है, और इंशाल्लाह कल तक ये 19 हो जाएगी भाई, कल तक 19 हो जाएगी। और ये मुर्शिद अस्पताल है हमारा यहाँ ना, बैठने से ज्यादा लोगों ने डेड पॉइंट बनाया हुआ है इसको, देख सकते हैं गाइस। नहीं 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 दिखाने चाहिए, किसी की प्राइवेसी दिखानी नहीं चाहिए। तू इधर देख, उधर लोगों की चीजों पे नजर मारता है, नहीं होगा हम लोग को यार। तो गाइस बस यही बोलना था आप लोगों से, यही शेयर करना था कि यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, इनकम आए हमारी भी यार। मेहनत इतनी कब से मैं कर रहा हूँ, यकीन करो 1.5 महीना हो गया चलो मोनेटाइज हुए यार। डेढ़ महीना हो गया गैस, और अभी तक $18 हुए हैं, अभी $100 करने, $100 से कम नहीं निकलते। ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपके जब तक $100 नहीं होंगे तब तक आपकी पेमेंट फंसी रहेगी, नहीं निकलेगी भाई, नहीं निकलेगी। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।